हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? अभी तक हमने जो करंट पढ़ा था उसे हम कहते थे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो एक बैटरी सप्लाई करती है, एक सेल सप्लाई करता है, हम बनाते थे एक सिंबल और कहते थे दिस बैटरी सप्लाईज अ करंट। जो ये करंट सप्लाई करती थी वो होता था डायरेक्ट करंट। लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में हमने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा और एसी जनरेटर में हमने देखा कि करंट एक साइनोसॉइडल वेव में जनरेट होता है। ये करंट टाइम वेरिंग है, अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है विद टाइम। एक बार सर्किट में अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके के करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जो इस साइनोसोइडल वेवफॉर्म की तरह है। तो फर्स्ट डिफरेंस हम इनके वेवफॉर्म्स में ही लिख सकते हैं। डायरेक्ट करंट में दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है करंट की एंड इट इज कॉन्स्टेंट विद टाइम। बेसिकली डायरेक्ट करंट मतलब द करंट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है सर्किट में तो क्लॉकवाइज ही करता रहेगा पूरे टाइम। सेम इज द केस हियर, यहाँ पर हमारा करंट का मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है बट उसकी डायरेक्शन तो सर्किट में क्लॉकवाइज ही है। मान लो सर्किट में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो इसका कभी मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही करंट की। सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। ऐसे करंट को हम फिल्टर करके इस तरीके का करंट भी आसानी से बना सकते हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। एक बार वो सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो दूसरी बार वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है। सच टाइप ऑफ करंट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। इट मीन्स द करंट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड इट इज अ साइनोसॉइडल करंट। सेकेंड डिफरेंस में हम लिख सकते हैं इनके सोर्स के बारे में। डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है? या तो सेल होगा या बैटरी। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या होता है? कौन प्रोड्यूस करता है ऑल्टरनेटिंग करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर। इनके सिंबल्स देखें तो दिस इज द सिंबल ऑफ सेल और ये सिंबल होता है बैटरी का। और यहाँ पर अगर एसी जनरेटर देखें देन दिस इज द सिंबल ऑफ एसी जनरेटर। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो डायरेक्ट करंट में खाली रेजिस्टर काम करता है, उसके साथ कैपेसिटर और इंडक्टर काम नहीं करते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों के तीनों काम करते हैं। कैसे, ये हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर डायरेक्ट करंट में देखें तो रेजिस्टर तो नॉर्मली बिहेव करता है लेकिन हमारा जो कैपेसिटर होता है दैट एक्ट्स लाइक अ ब्रेक इन द सर्किट। वहाँ पर सर्किट टूटा हुआ है तो कोई भी इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास इंडक्टर है देन इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस वायर फॉर डायरेक्ट करंट। इसके लिए भी कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर भी एक वायर का ही बना हुआ है। लेकिन ये तीनों कॉम्पोनेंट्स काफ़ी डिफरेंटली बिहेव करेंगे। इनफैक्ट ये दोनों कॉम्पोनेंट्स काफ़ी डिफरेंटली बिहेव करेंगे व्हेन वी कनेक्ट देम विद अ ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स। इसलिए हम जब डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम हमेशा लिखते हैं सिर्फ ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट वैल्यूज। बट इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट दे आर नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यूज, दे आर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स। इसलिए हम इनको लिखते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दीज आर द वेव फॉर्म्स जो हम एसी जनरेटर के लिए भी लिखते हैं। एसी जनरेटर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो साइनोसॉइडल होती है। दिस इज द सेम एक्सप्रेशन। नाउ वी विल ब्रीफली डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। लेट अस सपोज मेरे पास एक कॉयल है जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं और एरिया ऑफ कॉयल है ए। वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये इस कॉइल का साइड व्यू है। देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल विल बी एन बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर।
दिस इज द एंगल थीटा. तो इस केस में हमारी फ्लक्स इज गिवन बाय एन बी ए कॉस थीटा विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एसी जनरेटर. तो इसके लिए ईएमएफ विल बी गिवन बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी द रेट ऑफ नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस थीटा. अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स नहीं चेंज हो रहे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हो रही और एरिया ऑफ द लूप चेंज नहीं हो रहा. सो आई कैन राइट इट एज माइनस एन पी ए. नाउ कॉस थीटा का मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, सो आई कैन राइट इट एज माइनस साइन थीटा अलॉन्ग विद डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा. सो माइनस डी थीटा अपॉन डी टी. नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज हियर इट माइनस नहीं आएगा, we have to differentiate theta. So the rate of change of angle is omega. So I can write it as minus minus gets become plus. So it becomes n b a omega sine theta or omega t. This is the induced EMF. Now ये n b a omega को मैं अगर e naught से represent करती हूँ, मुझे मिलेगा expression e is equal to e naught sine omega t, which means the EMF generated is a sinusoidal EMF and not a constant EMF. Now, agar coil ke resistance R hai, then the current will be given by E by R is equal to E naught by R sine omega t. Now, what is this E naught by R? This is I naught. So, I is equal to I naught sine omega t. This I naught is the peak value of current. जब sin omega t हमारा maximum होगा, maximum value of sin omega t is plus 1, उस केस में हमारा current क्या होगा? I naught. So this is the peak value. This is the peak value of current. So if we wish to draw a graph for I is equal to I naught sin omega t in terms of theta, हमें थीटा के टर्म्स में ये ग्राफ ड्रॉ करना है. दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक. सिंस करंट क्या है हमारा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. अगर हम थीटा इज इक्वल टू जीरो की बात करें, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोजिशन ऑफ द कॉइल वेयर दिस इज द एरिया वेक्टर और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल जीरो है. इस केस में हमारा जो करंट होगा, करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा वेर थीटा इज जीरो डिग्री एंड साइन जीरो इज जीरो. इट मीन्स द करंट प्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन इज जीरो, इसलिए हमने करंट मार्क किया है अपना यहाँ पर जीरो. लेट्स टेक द एंगल पाई बाय टू, दैट इज 90 डिग्री. पाई बाय टू के केस में दिस इज द पोजिशन ऑफ द कॉइल वेयर एरिया वेक्टर इज, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री. नाउ इन दिस केस वी नो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 90 और साइन 90 होता है हमारा 1. सो द करंट, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी आई नॉट विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट. नाउ लेट्स अज्यूम दैट द कॉइल हैज रोटेटेड टू this position such that the area vector is now in this direction. इस केस में दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री. सो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 180 एंड साइन 180 इज जीरो. इसका मतलब जब एंगल हमारा 180 डिग्री होगा यानी कि पाई होगा, देन द करंट विल बी जीरो. और उससे पहले वाला जो पॉइंट था दैट वॉज पीक पॉइंट, जिसकी वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू थी आई नॉट. तो एक तरह से sinusoidal curve फॉर्म हो रही है. Now let us rotate the coil even further. Now the angle between area vector and B vector is 270 degree or 3 pi by 2. In this case, agar hum current ki value nikalte hain, then it comes out to be minus I naught. Since sine of 3 pi by 2 is minus 1. Toh is case mein humara jo current hoga at this particular 3 pi by 2, the current will be minimum, that is minus I naught, and at pi by 2 the current was maximum, that is I naught. तो इस तरीके से हम अपना sinusoidal curve trace कर सकते हैं. अगर हमसे बोला जाए
कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को टी के टर्म्स में ड्रॉ करो तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इस ग्राफ की भी मैपिंग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। वी नो टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा और आई कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/टी। तो यहां पर मैं अपने फॉर्मूले में लिख सकती हूँ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/टी इंटू स्मॉल टी। नाउ इस फॉर्मूले में मैं अपने स्मॉल टी की डिफरेंट वैल्यूज रख के करंट की वैल्यूज बता सकती हूँ और उसके थ्रू मैं ग्राफ प्लॉट कर सकती हूँ। लेट मी सपोज मैं पहले टी की वैल्यू जीरो रखती हूँ, देन ऑटोमेटिकली दिस साइन टर्म्स बिकम जीरो एंड माय करंट कम्स आउट टू बी जीरो। दिस इज द पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। नाउ सेकेंड में मैं अपनी टी की वैल्यू रखती हूँ 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। पूरे कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में उसको कैपिटल टी लगता है। तो टी बाय 4 टाइम में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, इट विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2π/टी इंटू टी बाय 4। सो टी गेट्स कैंसल्ड एंड आई गेट π/2 एंड साइन π/2 इज +1। सो द करंट, द वैल्यू ऑफ करंट दैट आई गेट इज आई नॉट। तो इस केस में मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, टी बाय 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग में मैं बात कर रही हूँ इस पॉइंट की एंड दिस इज आई नॉट। सिमिलरली अगर मैं देखूँ स्मॉल टी को मैं टी बाय 2 रखती हूँ अगर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, देन इन दैट केस आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2π/टी इंटू टी बाय 2। सो टी गेट्स कैंसल्ड एंड 2 गेट्स कैंसल्ड एंड साइन पाई, द वैल्यू ऑफ साइन पाई इज जीरो। सो अगेन आई गेट द वैल्यू ऑफ करंट एज जीरो। फोर्थ केस देखती हूँ, लेट मी पुट स्मॉल टी इज इक्वल टू 3t/4। इन दिस केस आई गेट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2π/टी इंटू 3t/4। सो दिस गेट्स कैंसल्ड एंड आई गेट आई नॉट साइन ऑफ 3π/2 एंड इट्स वैल्यू इज साइन ऑफ 3π/2 इज -1। सो मुझे करंट की वैल्यू मिलती है आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट विच इज द अगेन द पीक वैल्यू बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट हैज रिवर्स्ड। सो दिस इज हाउ आई ट्रेस द ग्राफ फॉर करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी विच इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर मैंने दोनों केसेस डिस्कस किए, एक जब हम थीटा की फॉर्म में अपना करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और दूसरा जब हम टाइम के टर्म्स में अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द बिहेवियर ऑफ अ रेजिस्टेंस व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग करंट। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।